नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से राजवीर पलकी को प्रपोज कर रहा है और पलकी को प्रपोज करने के बाद में इस समय पलकी भी मानती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जो चीज़ नहीं हो पाई थी अब वो चीज़ होती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सभी लोगों का मानना ये है कि अब जो होगा वो बिल्कुल बेहतर होगा, बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि आने वाली कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई और भी ट्विस्ट लगातार कहानी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सभी लोग इस समय सबसे ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं और ख़ास करके प्रीता, क्योंकि प्रीता को समझ नहीं आ रहा है कि रणवीर और यहाँ पर राजवीर और पलकी के बीच में कितनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हालांकि करण की माँ यानी राखी इस समय काफ़ी खुश है राजवीर के लिए और पलकी के लिए कि हाँ ये दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नहीं बल्कि इस समय कहानी एक और भी नया ट्विस्ट लाती हुई नज़र आने वाली है। क्योंकि सभी लोग इस समय थोड़ा नहीं बल्कि इस समय और भी ज़्यादा घना इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। जहां पर निधि की बात की जाए तो निधि इस समय प्रीता को टारगेट करने का कोई भी किसी भी तरीका का मौका नहीं छोड़ रही है, क्योंकि निधि इस समय लगातार टारगेट करने का हर एक काम करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों निधि की जो सोच है वो बेहद ही ज़्यादा घातक है, गिरी हुई सोच है उसकी, और वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि निधि ने बोल दिया है कि जो मेरे से टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी का एक नहीं बल्कि समय कई मूल मंत्र देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। क्योंकि दोस्तों जो हो रहा है वो बहुत ही ठीक होता हुआ नज़र आने वाला है, क्योंकि निधि का जल्दी ही जेल में जाना भी तय है, क्योंकि जो निधि की हरकतें हैं उनसे निधि जल्दी ही सफाया होगा दोस्तों निधि का। क्योंकि निधि को लग रहा था कि मेरे बारे में तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन उसे नहीं पता कि तुम्हारे बारे में बहुत कुछ किया जाएगा।